तो आइए थोड़ी सी ज्ञान की बात जरा सुनिए इनसे, बहुत अच्छी बात करेंगे जी। जी बोलिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको, जो अच्छी बात है वो बताएं, धार्मिक बातें जो आपने अभी की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, स्टार्ट करें बोलें। धार्मिक बातें ये है जी कि जो लोग जात बिरादरी के मामले में जी विवाद फैलाते हैं जी, ये बिल्कुल गलत है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म एक है जी, और जात बिरादरी के नाम पर जी गलत बातें करना जी, कलंक लगाना जी, ये बहुत गलत बातें हैं जी। उस मालिक को एक ही रूप में देखना चाहिए जी, एक ही मानना चाहिए बेशक, और सही बात है, उसका एक में ही सबका साझा रहना चाहिए जी। जात बिरादरी को लेकर के जी कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए जी, सही बात, क्योंकि जात बिरादरी उस मालिक ने नहीं बनाई है जी, उस मालिक के यहाँ से तो मानवता का नाता आया जी, इंसानियत का बेशक, सब यहीं आगे बनी है जात बिरादरी जी, और इसको लेकर हम विवाद फैलाते हैं, ये हमारी बहुत गलत बात है जी। उस मालिक का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए बेशक, कभी भी इस बात को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए बेशक। कितनी अच्छी बातें करी हैं देखिए जो है महाराज जी ने, बहुत अच्छी बात करी है, और ऐसा ही यही धर्म है असल में, जो धर्म फसाद नहीं फैलाता जातिवाद के नाम पर, किस चीज़ के नाम पर, यही असल में धर्म है। तो इसको भाई हमें समझना है, इस धर्म को हमें समझना है, तो हम जो है समझें बात को कि सही धर्म क्या है। हमारे सबके अंदर ईश्वरीय रचना है, ईश्वर की रची हुई रचनाएँ हमारे अंदर, रचना क्या है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो वो सुकून पैदा कर देता है हमारे अंदर, शांति पैदा कर देता है, और जब हम बुरा काम करते हैं तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। तो ये ईश्वर का इशारा है कि मेरे पैदा किए हुए इंसान, मैंने अपनी अच्छाई में तेरे अंदर सुकून रखा है, तो तू अच्छाई पर चल कर मुझे पाले, अच्छाई पर चल, बुराई से बच। और ईश्वर के बारे में जो है हम देखें, वेदों के अंदर ईश्वर की तारीफ की गई है और बताया गया है, जब हम देखते हैं तो कहा गया है एकम इवदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, यानी कि कायनात की हर चीज़ एक ईश्वर के सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। समझ में आ रही है बात, जब हम गौर करते हैं वेदों में कहा गया है वयम देवानम सुमतो श्याम, यानी कि ईश्वरी है ईश्वर, हमें सच्चा रास्ता दिखा, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है, तो ईश्वर ही हमें सच्चा रास्ता दिखाएगा। तो लिहाजा हम मन ही मन में उस ईश्वर से बात करें कि मालिक तूने हमें जीवन क्यों दिया है, दुनिया में तूने हमें क्यों भेजा है, इस दुनिया के अंदर बहुत धोखा है, तो मुझे सच दिखा, सच्चा रास्ता दिखा, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे। तो इस चीज़ को हम समझें कि ईश्वर ही हमें राह दिखाएगा, क्योंकि हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है, तो वही हमें राह दिखाएगा, वही हमें भटकने से बचाएगा, और जो हम धार्मिक स्थल पर जो मेहनत कर रहे हैं उसी का हमें वो बदला देगा, उस मेहनत का वही हमें बदला देगा। तो इस चीज़ पर हम गौर करें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चलें और फिर हमें हमारी मेहनत का बदला ना मिले हमें। तो इसलिए हम ईश्वर से सच्चा रास्ता मांगें, ईश्वर हमें दिखाएगा और सही मार्ग दिखाएगा, तब हम सच्चा रास्ता पाएंगे। तो जब हम गौर करते हैं देखते हैं, वेद हैं, चार वेद हैं, सोम वेद है, अथर्वा वेद है, यजुर्वेद है, ऋग वेद है। वेद का सबसे पहला मंत्र कौन सा है, यस्तन्ने वेद कृमिचा कृष्यान्ति। इसका मतलब क्या है कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, वो वेद पढ़ के क्या करेगा, कितनी बड़ी बात है। और जो भी अवतार हिंदू धर्म में आया है, वो अवतार आसमान की तरफ उंगली उठा करके कहता है कि वह जो ईश्वर है, मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, और वही सारे जहान का महान मालिक है। जब हम आगे पढ़ते हैं वेदों के अंदर, कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, इसका मतलब है, प्रतिमा का मतलब है रूप आकार अक्ष, यानी कि इसका मतलब है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। इस संसार के अंदर हर चीज़ हमारे दिल से जुड़ी हुई है,
ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, ये जो है हमारे दिल से जुड़ी हुई है। ईश्वर कहता है कि या तो तेरे पास दो ऑप्शन हैं, तुझे मैंने जीवन दिया है। दो ऑप्शन क्या हैं कि ए इंसान, तुझे मैंने अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए। तो लिहाजा तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पसंद कर ले, बात ज़रा समझे हम, या तो तू दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पसंद कर ले, या मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद कर ले, मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद कर ले। अगर तू मुझे पसंद करता है तो दुनिया का धोखा पहचान, तेरी जान मेरे कब्जे में, इस कायनात में मेरी बात साथ चलती है, जिसको चाहता हूँ मौत दे के उठाता हूँ, जिसको चाहता हूँ ज़िंदगी देता हूँ, इस कायनात में एक पत्ता भी मेरी बगैर मर्जी के नहीं हिलता, इस कायनात में मेरी बात साहत छाई हुई है, तो लिहाजा तू मुझे पसंद करेगा तो मैं हमेशा बाकी रहने वाला हूँ। कुरान में यही बात कही गई है, कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, उसके अच्छे नाम अनेक हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है, वही सारे जहान का महान मालिक है। और फिर लास्ट में कहा गया है वलम यकुल्लहु कुफ्वन अहद, ये अरबी भाषा है, इसका हिंदी में अनुवाद बनता है वलम यकुल्लहु कुफ्वन अहद, और अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है, अल्लाह सबसे अलग और निराला है। तो ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है कि दिल मेरे हवाले कर दे, दिल मेरे हवाले कर दे। जब दिल हम उसके हवाले कर देंगे तो वो दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर से निकाल देगा, अपनी मोहब्बत दिल में डाल देगा और हमें पसंद कर लेगा, जिस मकसद के लिए उसने हमें पैदा किया है कि मैंने तुझे अपने लिए बनाया, ए इंसान मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए। तो लिहाजा इससे पहले कि मैं मौत देकर दुनिया की तुझसे हर चीज़ छुड़वा दूँ, तू पहले ही छोड़ दे। इससे पहले मैं तुझे मौत देकर इस दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तू पहले ही छोड़ दे। इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब छूट जाएंगे, रिश्ते नाते, माल दौलत, ज़मीन जायदाद, इससे पहले मैं छुड़वाऊँ तू छोड़ दे पहले ही। और कुरान में कहा गया है कि मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊँ, भाई मर के हमें कहाँ लौटना है, कहाँ लौटना है, ईश्वर की तरफ, ईश्वर की तरफ ही जाना। जी जी जी, ईश्वर की तरफ लौटना है महाराज जी हमें। तो ईश्वर कह रहा है कि इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊँ और तू तेरी अर्थी को, लोग तेरे जनाजे को अपने कंधों पर लेकर मेरी तरफ को आए, तू अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ, तू अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ, आ जा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। ए मनु की औलाद, आदम की औलाद, मनु से सारे मनुष्य बने हैं, मनु और आदम एक ही बात है। ए मनु की औलाद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। मैंने तुझे जीवन दिया है, मैं तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, आ जा मेरे एहसान का बदला, मेरे एहसान को मान और मेरे एहसान में डूब कर मुझसे मोहब्बत कर और मेरे आगे सर झुका, मुझसे मोहब्बत कर, आ जा। अगर तू आ गया मौत से पहले पहले तो मेरा इनाम तेरे लिए तैयार है। इस दुनिया के पीछे ना भाग, ये धोखा है, हाया माया माल दौलत ये सब धोखा है, इसके पीछे ना भाग, आ जा तू, इसको छोड़ के आ जा मेरी तरफ। अगर तू आ गया और तूने मुझे राजी कर लिया, तूने दिल जो है अपना दिल मेरे हवाले कर दिया, तो मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे बंदे, फिर तेरे लिए मेरा इनाम तैयार है। इस दुनिया के बदले में मैं तुझे स्वर्ग अता करूँगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ऐसा जीवन जिसमें मौत ना आए, जिसमें बुढ़ापा ना आए, जिसमें दुख ना आए, जिसमें तकलीफ ना आए, जिसमें मुसीबत ना आए, जिसमें परेशानी ना आए, जिसमें गम ना हो, जिसमें डर ना हो, इंसान की हर इच्छा पूरी हो। तो मेरे बंदे तेरे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते कौन कौन से हैं? या तो अपने मन को राजी कर ले, मनमानी कर ले, या फिर मुझ रब को राजी कर ले। रब का मतलब क्या है? पालनहार, पालने वाला, जो हमारा पालने वाला है। तो या तो मुझे राजी कर ले या रब को राजी कर ले। तो मेरे बंदे, तो ईश्वर जैसे माँ बच्चे को पुकारती है, बच्चा धूल मट्टी में खेलता है और गंदा हो गया सारा, तो वो पुकारती है, बच्चा जो है गंदा होके आता है, तो माँ उसे दुश्मनी नहीं करती, क्या करती है? उसकी मट्टी झाड़ के उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ईश्वर जो है हमें गले से लगा लेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा।